पत्नी मैया, हमी हमारी पत्नी मैया, घर में हमारे पधारो, घर में हमारे पधारो, दुख दूर करो मैया। ओम जय पत्नी मैया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भरी रहे नैया, ओ पत्नी मैया। उतारिए लड्डू के भैया, खूब दिल लगाकर आरती उतारिए अपनी पत्नी मैया की। बड़े दिनों के मशक्कत के बाद जो भाभी जी घर पर वापस आई हैं, तो इतना स्वागत सत्कार तो होना ही चाहिए। अभी भाभी जी दरवाजे पर ही हैं और तिवारी जी को विभूति जी का डर सताने लगा है। तभी तो आरती में ये भूत के निकट नहीं आने की लाइन को विभूति जी के घर की तरफ देखकर गा रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भरी रहे नहीं आवाज है ना उनकी। लेकिन तिवारी जी, अगर विभूति जी ना होते तो आपकी पत्नी मैया की वापसी भी नहीं होती। कम से कम विभूति जी का तो यही कहना है। कितना बोला इस आदमी को, बीवी को ले आओ, बीवी को ले आओ, ये लाने को तैयार ही नहीं था। ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड, समझे ना। इसे मेरी जद्दोजहद है, मैंने कैसे करके हथकंडे अपना के गुरु जी को लेके आया। शी शुड थैंक मी, यू नो, आप मुझे शुक्रिया बोलिए कि मैं आपको लेकर वो वसूल कर लूंगा मैं। एनीवे बहुत खुशी है कि आ गई है, अब कुछ खाने को भी प्रॉपर मिल जाया करेगा। काफी सारी सब्जियां भी अंदर ला के रखी है। लाज जूते खा लो, चुप रहिए। भाभी जी की रसोई की खिड़की पर विभूति जी बड़े दिनों बाद फिर नजर आए हैं। भाभी जी के हाथ का हलवा खाने का मन कर रहा है या फिर फ्लर्ट करने का? भाभी जी, हमें तो चुनने का मौका ही नहीं मिला। हमसे पहले आके एक वाहियात आदमी आपको चुन भी गया और चुप भी गया। कैसी हैं? हम एकदम ठीक बाबा भूति जी, आप कैसे हैं? देसी घी का हलवा बनाए हैं, ई लीजिए खाइए गर्मा गर्म। अरे भाभी जी, घर में छोड़िए आप हलवा और रखी। बोले अब भाभी जी घर पर आ ही गई हैं, तो ये नज़ारे तो देखने को मिलते ही रहेंगे। इंतजार है तो बस ये देखने का कि तिवारी जी की तरह ही दर्शक भी नई भाभी जी का स्वागत करेंगे या नहीं। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ ABP News रिपोर्ट।